फेशियल जो कि एलोवेरा से हमने बनाया है, इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये फेशियल बहुत ही इफेक्टिव है आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेशियल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लिया है। आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं और आप चाहे तो फ्रेश एलोवेरा जेल ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो हल्दी पाउडर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है। अब यहाँ पे 1/2 लेमन जूस मैंने लिया है। मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बनाएंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है और एकदम यूज करने के लिए रेडी हो गया हमारा फेशियल। अब चलो इसको ट्राई करते हैं। हैंड पे मैं इसको अप्लाई करके बता रही हूँ, आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है इसको। तो यहाँ पे मैं कॉटन बॉल की हेल्प से इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है, आप चाहे तो अपने फिंगर टिप से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉटन बॉल से अप्लाई करेंगे तो इवनली अप्लाई होगा, बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो जिस तरह से मैं अपने हैंड पे अप्लाई कर रही हूँ, सेम वैसे आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है इसको। आपको ऐसे ही 15 से 20 मिनट तक रखना है, इसको ड्राई होने देना है, उसके बाद आपको वॉश कर लेना है। अब मैंने अपना हेयर यहाँ पे वॉश कर लिया है और आप देख रहे हैं कि मेरी स्किन कितनी शाइनिंग कर रही है और एक वाइट ग्लो मेरी स्किन पे आ गया है। तो इसी तरह से आपको फेस पे अपने अप्लाई करना है और वीक में 2 टाइम आप इसको यूज कर सकते हो। और ये स्किन वाइटनिंग के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव फेशियल है और बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ईजी है इसको बनाना। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।